नमस्कार आयुष तो दर्पण नमस्कार इस पेज पर मैं संपादक आयुष दर्पण मुग्धा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हमारा कार्यक्रम है आयुर्वेद वैश्विक स्वीकारता की दिशा में एक आवश्यक कदम, इस पर हम परिचर्चा करने वाले हैं और मैं अपने मेहमान का परिचय आपको कराना चाहूंगी जो आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। आप हैं प्रोफेसर गिरेंद्र जी तोमर, सर विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष हैं और साथ ही प्रोफेसर तोमर राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हंडिया इलाहाबाद के पूर्व प्राचार्य भी रहे हैं, काफी अनुभव रखते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद मुग्धा जी, बहुत बहुत प्रसन्नता है कि आज आप हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम का संपादन कर रही हैं और इसको जो है मॉडरेट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये जो है समसामयिक भी है और वर्तमान परिदृश्य में इसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं डॉक्टर नवीन जोशी जी का और डॉक्टर मुग्धा जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस समसामयिक विषय को आज सबके सामने प्रस्तुत किया है। सर बिल्कुल, जब से हम इस महामारी को देख रहे हैं, जब से ये पैंडेमिक एरा चल रहा है, तब से जो सबसे बड़ी चीज इस बार उभर कर आई है सर कि वो ये है कि लोग अपनी जीवन शैली और अपनी इम्यूनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं और अभी तक रोगों से लड़ने में चिकित्सा, चिकित्सकीय सुविधा, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था, लेकिन इस बार देखने में आया है कि इस रोग से लड़ने में आपकी अपनी जो पारंपरिक दिनचर्या शैली रही है, जीवन शैली रही है और आपका जो एक शुद्ध खान पान रहा है, वो उनका एक बहुत बड़ा हमने उसमें योगदान देखा है कि उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि उसने जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रही है उनमें उस रोग से लड़ने में बहुत अच्छी तरीके से सफलता पाई है। और निश्चित ही है कि जब हम अपनी पारंपरिक जीवन शैली और अपने पारंपरिक चिकित्सकीय की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है आयुर्वेद, और इसने आयुर्वेद को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और उसको मतलब बहुत बड़े एक पृष्ठभूमि में लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया है। सर हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी कि ये जो COVID-19 के समय पर आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का सम्मान बढ़ा है और आयुर्वेद के प्रति लोगों के जो देखने के नजरिए में बदलाव आया है, सर शुरुआत हम यहीं से करते हैं इस संबंध में अपने बीच। बहुत बहुत धन्यवाद मुग्धा जी। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज इस ज्ञान यज्ञ के एक नवीन सोपान में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मुग्धा जी को और डॉक्टर नवीन जी को कि इस कार्यक्रम में एक नवीन नजरिए से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है। साथियों, आज मेरा विशेष जो मंतव्य है वो ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता, आयुर्वेदिक जीवन शैली की गुणवत्ता केवल भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व के विभिन्न भूभागों में बड़े लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है, स्वीकारयुक्ति मिली है, तो उस संदर्भ में इनकी अच्छाइयों को, इसकी स्ट्रेंथ को हम जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें जिससे अधिक से अधिक पीड़ित मानवता इससे लाभान्वित हो सके। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश है कि हमारी अवधारणा ही अलग है, हमारा मानना है अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं, तो हमारे आयुर्वेद आज भारतवर्ष की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल प्रॉपर्टी एंड इट इज मेंट फॉर द वेलबींग ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी एट ग्लोबल लेवल। तो मैं उसी परिदृश्य में आज आपके सामने ये चर्चा करना चाह रहा हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, जिन्होंने
हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा तैयार की हुई एडवाइजरी जो कि डॉक्टर पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी के नेतृत्व में तैयार की गई और उस एडवाइजरी को जारी करने के बाद यह सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेद में छुपे हुए जो रहस्य हैं वो पीड़ित मानवता के लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकते हैं और विशेष रूप से कोरोना महामारी के परिदृश्य में उनका क्या योगदान है और कैसे उसको हम उपयोग करें। जैसा कि आप जानते हैं कि न केवल रोग के बचाव के लिए बल्कि माइल्ड सिम्टम्स जो पेशेंट्स को कोरोना के मिलते हैं उनमें भी इन आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग किया जाए। यही नहीं, स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि इवन मॉडरेट और सीवियर केसेस में एड एन एडजुवेंट इस आयुर्वेदिक चिकित्सा का और आयुर्वेदिक जीवन शैली का यदि हम उपयोग करें तो निश्चित रूप से क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये आज संपूर्ण विश्व के सामने ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का जो प्रयास है आयुष मंत्रालय का, उस संदर्भ में आज आप लोगों के सामने कुछ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके सामने मैं उन तथ्यों को जो है मैं सामने रखूं, उन तथ्यों को सामने रखूं जो कि आयुर्वेद की गुणवत्ता को इस स्थिति में पहुंचाए हैं कि आयुर्वेद आज जन सामान्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो मैं आज उन सब तथ्यों पर प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। मैं अभी आपको अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने यह रखना चाहूंगा कि साथियों, मुग्धा जी क्या वीडियो विजिबल हो रहा है मेरा? जी सर बिल्कुल, और वीडियो शेयर हो रही है आपको, स्लाइड शेयर हो रही है ना? जी जी बिल्कुल, जहां आपको दिक्कत आए तो आप हमको इमीडिएटली बोल दीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके, तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक अ स्टेप टुवर्ड्स इट्स ग्लोबल एक्सेप्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एक्सेप्टेंस कि विश्व में स्वीकार्यता के दिशा में ये एक पहला कदम है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि आयुर्वेद ही एक ऐसी दिशा है, विधा है जो कि हमको विश्व गुरु बनाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोरोना कालखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, आपदा में अवसर की तलाश, और उस मुझे प्रसन्नता है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने, आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने, आयुर्वेद के विभिन्न समुदायों ने बहुत ही डेडिकेटेडली इस पर कार्य किया। इसका परिणाम स्वरूप आयुर्वेद की जो चीज सामने आई वो चीज आज विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, उसी के संदर्भ में हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों आप जानते हैं कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया और इस गाइडलाइन में विशेष रूप से देखने लायक बात यह है कि दे हैव कैटेगराइज्ड टारगेट ग्रुप फोर्स। पहला उन्होंने टारगेट ग्रुप रखा वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये है केवल क्वारंटीन वाले पेशेंट्स, होम आइसोलेशन के सब्जेक्ट्स को और जो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, लेकिन उन हेल्थ वर्कर्स को जिन्हें हम कहते हैं कोरोना वॉरियर्स, उन सब के लिए व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट, प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या होंगे, हमारी गाइडलाइंस क्या क्या हैं, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे बियरिंग ऑफ मास्क बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, रिपीटेडली हैंड वॉश की बात करें, ये सब चीजों के साथ साथ में व्हाट टाइप ऑफ द प्रैक्टिसेस कैन बी एडेड, और ऐसी हमारी कौन सी एकल औषधियां हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, और साथ साथ में ऐसे कौन से योग हैं जिन औषधियों से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और हमारी लाइफ स्टाइल दिनचर्या हमारी क्या हो जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहे, इस प्रकार के मेजर्स हमारे पहले ग्रुप के लोगों के लिए रिकमेंड किए गए। दूसरा ग्रुप आता है जिनमें कि माइल्ड सीवियर सिम्टम्स हो और साथ साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, सम पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, सीओपीडी, तो इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस यहां पर हैं, तो वहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर माइल्ड सिम्टम्स, और इसमें हम क्या करते हैं कि आयुर्वेद की औषधियों के साथ साथ में मॉडर्न की जो मेडिसिन दी जाती हैं उनके साथ एज एंड एडजुवेंट इनको हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो ग्रुप था वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें प्रेग्नेंट मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, और पार्टिकुलरली पर्संस एजेड अबव 65 इयर्स जिन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, वो जीरियाट्रिक सब्जेक्ट्स, तो उसमें हमको बचाव करने के लिए ये रिस्क ग्रुप्स हैं।
हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, तो इनमें हम किस प्रकार से बच्चों की हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट रखें, महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे प्रोटेक्ट करें और सीनियर सिटीजन के हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हमारे मेजर्स हैं। साथ साथ में इन वर्गों के लोगों को कौन कौन सी औषधियों का हम प्रयोग कराएं, इसका वर्णन किया है। चौथा हमारा जो ग्रुप है पोस्ट ट्रीटमेंट रेस्टोरेटिव हेल्थ केयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं देख रहा हूं कि कोरोना की रिकवरी के बाद भी सम पर सारा प्यार फीलिंग सीवियर वीकनेस क्यार क्वाइट लिथार्जी मेंटली डिप्रेस्ड सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो इनमें हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद इज मोर देन सफिशियंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ ग्रुप्स, तो इसमें हम लोग कर सकते। थर्ड ग्रुप में भी आयुर्वेद का अपने आप में इंडिपेंडेंट योगदान है, लेकिन एक चौथा जो तृतीय सेकंड ग्रुप है जिसमें माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर सिम्टम्स, तो माइल्ड को भी कंट्रोल करने की क्षमता आयुर्वेद में है, मॉडरेट और सीवियर केसेस में अलोंग विद दी मॉडर्न ड्रग्स टू मेंटेन दी इमरजेंसी, उसके साथ साथ आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करने के लिए आयुर्वेद बताता है। अब आप देखते हैं कि यहां पर यह हमारा जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि हमारे तीन अप्रोचेज हैं, प्रिवेंशन, थेरापेटिक एंड प्रमोटिव। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट टारगेट ग्रुप में हमको जहां पर जो है कोरोना वॉरियर्स का करना है, क्वारंटीन के पेशेंट्स हैं उनको करना है, तो इसमें केवल जनरल पब्लिक और हेल्थ वर्कर्स के लिए केवल आयुर्वेदिक गाइडलाइन इज मोर देन सफिशियंट। सिमिलरली जब हम पोस्ट रिकवरी की बात करते हैं प्रमोटिव के लिए, तो इसमें हमारा सफिशियंट आयुर्वेद दवाएं हैं जिसके लिए हमें किसी मॉडर्न दवा की जरूरत नहीं है। थेरापेटिक्स की बात अब हम करते हैं, औषधियों की बात करते हैं, तो माइल्ड ग्रुप में जो पेशेंट टारगेट ग्रुप के हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, माइल्ड है, उन पेशेंट्स के लिए हमारी औषधियां मोर देन सफिशियंट हैं, दे कैन कंट्रोल। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द माइल्ड एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस की बात करते हैं, तो कन्वेंशनल मैनेजमेंट के साथ साथ में एड ऑन टारगेट ग्रुप टू की मेडिसिन हमारी वो दी जा सकती है। माइल्ड विद वल्नरेबल प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन है, उनमें भी हम औषधियों के साथ साथ में अपनी औषधियों से लोगों को ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट की जब हम बात करते हैं तो मॉडरेट में हमारी निमोनिया विद नो साइंस ऑफ सीवियर डिसीज, इसमें हम जो है अपने आयुर्वेद औषधियों के साथ साथ में इनका प्रयोग कर सकते हैं मॉडर्न के साथ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़े ग्रुप्स में आयुर्वेद मेडिसिन लाभकारी है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन सिंगल ड्रग्स विच आर इफेक्टिव इन द पेशेंट्स ऑफ द कोरोना कोविड 19 इन्फेक्शन, दे आर गुडुची। इसमें 500 टू 1000 माने 1 ग्राम ऑफ द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द गुडुची कैन बी यूज्ड। आंवला, कंजम्पशन ऑफ द फ्रेश आंवला फ्रूट्स और फाइलेंथस एम्बिलिका, दैट्स आंवला कैंडी इज ऑल्सो अवेलेबल, इट्स ऑल्सो एडवाइजेबल। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द हृद्रा, हल्दी का प्रयोग केवल हम गर्म पानी में हल्दी के पाउडर को मिला करके गरारे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और दूध में मिला के हल्दी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ये बहुत लाभकारी है। तुलसी कैन बी यूज्ड, जब हम टी बना के लेते हैं तो तुलसी लीफ को मिला सकते हैं और साथ साथ में तुलसी को हम जो है बाटल को प्रोसेस्ड करके तुलसी के पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अश्वगंधा रूट पाउडर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में 2 बार दूध के साथ देने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। जब इम्यूनिटी एनहेंसर फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो साथियों आयुर्वेद में च्यवनप्राश एक ऐसा अवलेह है जिसका प्रयोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में आज किया जा रहा है, अत्यंत लाभकारी है। इसमें आंवले के साथ साथ में जीवनी गण की औषधियां हैं, बल्य वृष्य माने आपके सभी संस्थानों को हेल्दी रखने के लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट की कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए, शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, सभी चीजों के लिए लाभकारी मेडिसिन आर अवेलेबल। सिमिलरली द्राक्षावली, इंदुकांत घृतम, अरविंदा सब इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द चिल्ड्रन। इट कैन बी गिवन इन द डोज ऑफ द 15 to 20 ml ट्वाइस डेली विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ द वाटर आफ्टर फूड। सिमिलरली बाल चातुर्भुज चूर्ण इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द चिल्ड्रन, the persons who are suffering from different type of the common disorders of the children age group, diarrhea, dysentery और सभी कंडीशन में काम करता है। इसे चौथी गुट्टी के नाम से गांव में बड़ा पॉपुलर है, इसका प्रयोग करते हैं। हरिद्राखंड इज अनदर रेमेडी दैट कैन बी गिवन इन द डोज ऑफ द 3 to 5 grams। इट कैन बी गिवन विद द हनी और वार्म वाटर और इवन मिल्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस, पर्संस हु आर सफरिंग फ्रॉम द सोर थ्रोट, दे कैन बी गिवन ब्योषाधिपति, लवंगाधिपति और खदराधिपति अकॉर्डिंग टू द डिसीज्ड स्टेट्स, टू टैबलेट्स थाइस डेली फॉर च्यूइंग. सिमिलरली नारदी लक्ष्मी विलास रस इन द डोज ऑफ 125 मिलीग्राम ट्वाइस डेली और थ्राइस डेली विद तांबूल सुरस, पान के पत्ते के रस के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. सिमिलरली पर्सन हु आर हैविंग नेजल कंजेशन और प्रतिष्ठाए, दे मस्ट बी गिवन हरिद्रा खंड इन द डोज ऑफ द 3-5 ग्राम ट्वाइस डेली. एंड सिमिलरली इन द पेशेंट्स ऑफ द माइल्जिया, वी आर गिविंग रासला सप्तक्वाथ, अश्वगंधा रिस्ट, बला रिस्ट, दे आर द कॉमन मेडिसिन दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड. और फॉर वातिक कास, कफ, तालिशारी और सुदोपलादि चूर्ण, टंकण भस्म, दे कैन बी गिवन एज ए वेरी इफेक्टिव रेमेडी. डियर फ्रेंड्स, अलोंग विद द मेडिकेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट द लाइफ स्टाइल मेजर्स रिकमेंडेड बाई द आयुर्वेदिक फिजिशियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो. विदाउट टेकिंग एनी ड्रग वी कैन कीप अवर सेल्फ हेल्दी विद द हेल्प ऑफ द आइडियल लाइफ स्टाइल ऑफ आयुर्वेद. डियर फ्रेंड्स, it has been already discussed in Ayurvedic classics in the form of the dinacharya. Wake up between 4:30 to 5 in the morning, 45 minutes before sunrise, that is very important. 4:30 se 5 baje ke beech mein agar aap jagenge to aap usha kal jo hota hai us samay aapko jo natural air hai uska aap labh lenge aur aapki mental faculties kafi alert rehti hain. bachchon ko, vidyarthiyon ko padhne ke liye brain sharp rehta hai और बड़े अच्छी तरह से उनको याददाश्त भी बढ़ती है. दूसरा, ड्रिंक 1-3 ग्लासेस ऑफ द वार्म वाटर. आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 1-3 ग्लास तक आप गर्म पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी. देन गंडूस कवल, ऑयल पुलिंग. इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑयल पुलिंग के लिए, 1 टेबल स्पून सीसम हम तिली का तेल या नारियल का तेल, इसको डाल करके पानी में हम लोग गले में गंडूस धारण करते हैं. और गार्गल विद वार्म वाटर एडेड विद ए पिंच ऑफ टर्मेरिक एंड सॉल्ट, थोड़ी हल्दी और एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक, और त्रिफला और मुलेठी और शुद्ध टंकण 2% एक्वा सॉल्यूशन, और साथ साथ में मधुकोदक 5% एक्वा सॉल्यूशन को मिला करके हम लोग गरारा कर सकते हैं. सामान्य रूप से केवल नमक हल्दी को डाल करके ही आप करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट. देन वी कम टू द नेजर हेल्थ. इसमें प्रतिमर्स नस्य 2 बूंद तेल जो है अणु तेल का या कोकोनट ऑयल का नाक में डालना चाहिए. डेली प्रैक्टिस ऑफ द योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इज एडवाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें हमको 2 आसनों का प्रयोग करना है. प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम इज सपोज टू बी सदाबहार प्राणायाम. इट इज रिकमेंडेड टू ऑल एज ग्रुप्स. द रेशियो ऑफ इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन इज 1:4:2. इससे आपको वाइटल कैपेसिटी, फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, लंग की कैपेसिटी आपकी टोटल बढ़ती है, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लोगों को भी बहुत लाभ मिलता है. तो इसकी प्रैक्टिस हमें अवश्य करना चाहिए. वार्म वाटर बाथ, हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें. आफ्टरनून में भी हम लोग कोशिश करें कि डे स्लीप को अवॉइड करें, और साथ साथ में आसनों का प्रयोग विधिवत करें. और डाइटरी आर्टिकल्स में हमेशा याद रखें, हितभुक, मितभुक, अशाकभुक. आपको भूख लगने पर ही भोजन करें, और हमेशा याद रखें दौ भागौ पूरये धन्यम तोये एकम प्रपूरये वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत. 4 भाग पेट के स्टमक के करिए, इसमें से 2 भाग को अन्न से आप भरिए, 1 भाग को जल से भरिए, 1 भाग को खाली छोड़ दीजिए. सो दैट द प्रॉपर पैरासिटिक मूवमेंट्स मस्ट बी देयर. वायु के संचारण के लिए स्थान खाली छोड़े तो आपके पाचन में न गैस बनने की शिकायत होगी, ना आपको कभी इंडाइजेशन होगा. इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा. दूसरा, हितभुक, ट्राई टू कंज्यूम दूध फॉर फूड आर्टिकल्स विच आर सुटेबल टू योर कॉन्स्टिट्यूशन. नई चीजों का प्रयोग न करें, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें. हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमारे ट्रेडिशनल फूड को हम बढ़ावा दें, ताजा भोजन करें, फ्रिज में रखे हुए पदार्थों का सेवन न करें. मितभुक का तात्पर्य है कि ट्राई टू कंज्यूम एज पर नीड, बॉडी की कैलोरीज के अकॉर्डिंगली जितनी नीड आपको है उतनी भोजन करें. अशाकभोग, पत्ते वाले साग सब्जियों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, और वर्षा ऋतु में तो उसका पूरी तरह से निषेध किया गया है. देन वी कम टू दी
ऋतु हो, ऋतु के अनुसार भोजन करें। कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई चीजों को ऋतु के अनुकूल जो नहीं है, ऋतु में पैदा नहीं होते, उनका आम प्रयोग बिल्कुल न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमें हमेशा परिपालन करना चाहिए। तो ये चीजें जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिलेगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस एंड मेडिसिंस विद डोजेस ऑफ द माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स हम आप देखते हैं कि फीवर, कफ, सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन, मैलेज एंड हेडेक, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स के लिए भी हमारे यहाँ सिम्टम वाइज मेडिसिन का उल्लेख किया गया, माँ सुदर्शन घन बटी, संजीवनी बटी, संसमनी बटी, थाली सारी चूर दे कैन बी गिवन। सिमिलरली जिन पेशेंट्स को सेकेंड लाइन कास होता है, कास प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, उसको हम त्रिकट चूर्ण दे सकते हैं, ब्रागी हरित की अवले दे सकते हैं, चित्रक हरित की अवले दे सकते हैं, अगस्त रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, अमृता रिष्ट का प्रयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, बिकॉज याद रखिए आयुर्वेद हमेशा इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की बात करता है। वी आर नॉट गिविंग सेम मेडिकेशन टू ईच एंड एवरीबडी। आयुर्वेद का सिद्धांत है योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सके योग विश्वोत्तम। You have to analyze one's constitution on the line of the is constitution of the patient, temperament of the patient with the help of dasmit pariksha of charak. Tatra prakritascha vikritascha saratascha sanganantascha satutascha sadhutascha vyaschiti. You have to analyze the constitution and accordingly you have to recommend the medications. That is the beauty of Ayurveda. तो हमको इसका ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। और औषधियों के हमारे यहाँ भरमार है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम देखते हैं। आज आपके सामने मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप देखते हैं कि कुछ ऐसे संगठन जिन संगठनों को आयुर्वेद के संबंध में एक क ख क कहरा भी ज्ञात नहीं है, उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का, और दे आर क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दे डोंट डू एबीसीडी ऑफ आयुर्वेद but they are criticizing it. The science which is time tested, all the principles laid down in Ayurvedic classics is thoroughly discussed in seminars and symposia, verified on scientific facts, then they have established the principles. Siddhanto naam yasya sah parishkair bhavil parich hetu vishva sadhatva sthapyate nirnaya. Aise siddhant ko जो कि थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स से लगातार चला आ रहा है, वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हमको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। स्विट्जरलैंड में तो लोग ये कहते हैं कि जब हमारी ट्रेडिशनल थेरेपी हमारी काम कर रही है, अगर यू आर नॉट रिलाइंग ऑन दिस, वे गेट यू इन्वेस्टिगेटेड ऑन साइंटिफिक रेमेडी, इट्स ओवर हेडेक, इट्स नॉट हेडेक ऑफ आवर सिस्टम। तो हमारी औषधियों की गुणवत्ता प्रमाणित है, और उस प्रमाणित गुणवत्ता की चीज को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है जिसको आयुर्वेद के बारे में एबीसीडी ज्ञान नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट द डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स, दे आर चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, releasing that advisory of Ayush medicines for the patient prevention of the COVID-19 and for the mild symptomatology of the COVID patients at an adjuvant. तो ये जो है आपके सामने चीज की कही गई, तो इसको हमें बड़े बारीकी से आगे बढ़ना है, और हम किसी की निंदा भी नहीं पढ़ते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने उन साथियों से भी जो कि इसके क्रिटिसिज्म में खड़े हुए हैं, पहले वो भारतीय हैं और भारतीय होने के बाद में तब वो किसी विधा विशेष में पारंगत हैं। तो हमको भारतीय संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, ये हमारी परंपरा है, वो भारतीय परंपरा किसी एक व्यक्ति विशेष की या किसी विधा विशेष की संपत्ति नहीं है। इट्स अ ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी, इट्स हेरिटेज ऑफ आवर इंडियन रिलीजन, इंडियन मेथोलॉजी, इंडियन नॉलेज, तो इसको हमें गर्व होना चाहिए। तो पहले आप भारतीय हैं, तो भारतीय होने का आपको गर्व होना चाहिए। भारतीय विधा जो हजारों वर्षों से हमारे जन सामान्य की सेवा में संगत है, तो उसके बारे में हमको क्रिटिसिज्म करने की जगह पे उसके बारे में हमें आपकी अच्छी बातें बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मैं एक चीज आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही सामयिक है, बहुत आवश्यक भी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एविडेंसेस के बारे में कहा गया कि ये एम्पिरिकल है, they are not having in clinical trial. My dear friends, मैं उन अपने मित्रों को यह भी बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा सुझाई गई जो मेडिसिन हैं, राइट फ्रॉम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, सिमिलरली सो सेवरल अदर प्लाज्मा थेरापी एंड दिस आइवरमेक्टिन, ये सारी चीजें केवल एम्पेरिकली तो हैं, इनमें कौन सी डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल हुआ है?
इनके बारे में आपने कभी कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया, और आयुर्वेद औषधियों के बारे में जो कि थाउजेंड ईयर से लगातार प्रयोग की जा रही हैं, हमारे चिकित्सकों को इन पेशेंट्स के बारे में बहुत अच्छा प्रमाण मिला। मैं बहुत अच्छी बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में है, सत्रह विहार में, वहां पर 500 पेशेंट्स का कोरोना वार्ड डेवलप किया गया। वहां में जितने पेशेंट एडमिट हुए कोई मोर्टिलिटी नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सारे पेशेंट्स को आयुर्वेद से फुली ट्रीटमेंट किया गया विद देयर कंसेंट, और वो कंप्लीट रिकवरी हुई, 100% रिकवरी हुई। एक तो बात आती है माइल्ड और माइल्ड पेशेंट्स के बारे में, दूसरी बात आती है प्रिवेंशन के बारे में। तो दिल्ली पुलिस के 80,000 पुलिस पर्सनल को जो है ये आयुर्वेद सुरक्षा किट दिया गया, जो औषधियों के प्रयोग करने के बाद कोई भी व्यक्ति कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। इस आधार पर इन औषधियों की गुणवत्ता की बात कही जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपके सामने एक कोशिश मैं रखना चाह रहा हूं कि 16 अक्टूबर को ये जारी हुआ न्यू दिल्ली सॉलिडरिटी थेरापेटिक ट्रायल कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज एन एक्टिव पार्टनर रिवील द फॉलोइंग द ट्रायल टेस्टेड फॉर रिपर्पज ड्रग्स रेमडेसिविर इंटरफेरॉन लोपिनावीर रेट्रोवीर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटर एनालिसिस शोड दैट नो बेनिफिट्स ऑफ रेमडेसिविर इन एनी ग्रुप ऑफ कोविड 19 आइदर एसिम्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स। तो ये जो है आपने ये सिद्ध कर दिया, ICMR कंडक्टेड प्रेसिड ट्रायल फॉर कन्वर्सेंट प्लाज्मा इंडिकेटिंग नो बेनिफिट और इट इज कोविड ट्रीटमेंट। It has been already proved that these therapies, which have been indicated by the Western medicine, is not showing any beneficial results on the parameters, on their own parameters. तो आज इस दृष्टिकोण से मैंने उन अपने सन मित्रों का उन मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये कहना चाहूंगा कि आपने हमारे इन औषधियों के बारे में जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो उसी बहाने आज उन औषधियों की गुणवत्ता के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आपको भी ये कोरोना कालखंड में ये समय एक दूसरे से छिद्रान्वेषण करने का, एक दूसरे पर जो है लेग पुलिंग का नहीं है, ये हमको एक साथ हाथ जोड़ करके, एक साथ कंधे से कंधा मिला करके पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी अपनी सीमाओं के अंदर जहां तक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको साथ लेके चलना होगा, तभी इस देश की इस परिसंपदा का, देश की इस हेरिटेज का हम विश्व के धरातल पर हम जो है इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर पाएंगे। तो विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष होने के नाते हमने एक प्रेस रिलीज जारी किया, बड़े हमली, विश्व आयुर्वेद मिशन स्ट्रॉन्गली कंडेम्स द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसके बारे में मैंने जो दवा दिया, जो हमने तर्क दिया, वो ये है कि रिलीजिंग द प्रोटोकॉल इट वाज क्लियरली मेंशन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड आयुष प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड वेयर मोर फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कोविड 19 इन्फेक्शन एज वेल एज फॉर द पॉजिटिव पेशेंट्स विद द माइल्ड सिम्टम्स शोइंग नो फीचर्स ऑफ द हाइपोक्सिया निमोनाइटिस और द ऑर्गन फेलियर। Nowhere it is claimed that the recommendation is based on successful clinical trial or any blind study. The protocol is being prepared on Ayurvedic clinicians with satisfactory results, as minimum patients have been observed to lend to the serious COVID-19 sickness on following the Ayush protocol. Needless to say, even modern clinicians who have no prescriptions at hand to give the COVID patients are advising the patients to follow the Ayush protocol when they ask to some immunity boosting drugs. So dear friends, to main ye kehna chahta hu ki it is strange that our recommendations concerning use of the modern medicines in mild cases of COVID-19 like use of the hydroxychloroquine, azithromycin, doxycycline and ivermectin etc. two are empirical, but IMA has never questioned the use of lacking double blind study. Then why they have demanded for Ayush protocol, my dear friends? So it is the high time
We need that, it's a need of the hour that IMA comes out of its visible hatred towards Ayush system of medicine and takes their expert help in managing different stages of infections of COVID-19 to in fight against this pandemic. साथियों तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है संपूर्ण विश्व के चिकित्सक वर्गों से कि हमको एकजुट होकर के एक साथ सामूहिक प्रयास करना है इस महामारी से निपटने के लिए और भारतीय इस संपदा को जन सामान्य के लिए लाभकारी बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए. डियर फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की क्योंकि एक ही साधन है कि हमको इस रोग के साथ लंबे समय तक रहना है जैसा कि अन्य वायरस के साथ हम लगातार रह रहे हैं चाहे वो एड्स वायरस हो चिकनगुनिया हो स्वाइन फ्लू हो इबोला हो उसी प्रकार से हमें COVID-19 के साथ भी रहने की आदत डेवलप करना है. तो हम कैसे डेवलप करेंगे इसके लिए सीधा सा हमारा साधन है कि हमको अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना है. इम्यूनिटी होती क्या है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ओज को बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानते हैं यही हमारा बल होता है. तत्र रसारी नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत परस तेजस तत् खलु ओजस सदैव बल मुच्यते. माय डियर फ्रेंड्स आयुर्वेद के दृष्टिकोण से 7 वाइटल टिश्यूज 7 धातुएं बताई गई हैं रसा अश्रक मांस मेदो समज सुकरण धातवा. इन 7 धातुओं का सारभूत भाग होता है ओज और इस ओज को ही हम बल मानते हैं ओज को ही स्ट्रेंथ मानते हैं. दूसरे शब्दों में इसी को हम इम्यूनिटी कह सकते हैं. यह समस्त धातुओं का उत्कृष्ट उत्पाद है. यह प्राणी की जैव शक्ति और व्याधि शक्ति है. आयुर्वेद के दृष्टिकोण से प्राकृतस्थ बलम से स्मा प्रकृतो मलोच्यते सचैव ओजः स्मृतः कार्ये च पापु प्रदिशते. आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यही प्राकृत जो कफ है यही ओज है यही हमारा बल है और ये विकृत होने पर मलकारक होकर के रोग को उत्पन्न करता है. डियर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में त्रिविध बल की परिकल्पना है. बल 3 प्रकार के आयुर्वेद में बताए गए हैं. पहला सहज बल. सहज बल का तात्पर्य होता है यह प्राकृतिक होता है वंशानुगत होता है ये माता पिता से बच्चों को मिलता है. दूसरा बल होता है कालज जो कि ऋतु एवं वय के सापेक्ष होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि बाल्यावस्था में इम्यूनिटी आपकी कम है युवावस्था में बढ़ जाती है वृद्धावस्था में पुनः इम्यूनिटी स्टेटस हमारा कम होना शुरू हो जाता है. उसी प्रकार से ऋतु विशेष के हिसाब से भी आदावंते दौर्वल्यम प्रसर्गादान योधराम मध्य मध्य बलम तुंते शेष मग्रे से षड ऋतुओं की जो परिकल्पना है तो किस ऋतु में हीन बल होता है कब आपका मध्य बल होता है कब आपका उत्तम बल होता है. शीत ऋतु में आप देखते हैं कि हम हेल्दी पीरियड कहते हैं जी सबसे उत्तम बल हमारा होता है. तो इस प्रकार से ऋतुओं के अनुसार भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी का स्टेटस बदलता है. तीसरा तरह का बल होता है उसे कहते हैं युक्तिकृत. ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है और इट कैन बी इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द आहार औषध और आचार. आहार का प्रयोग करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. आज आप देखते हैं कि संपूर्ण विश्व आहार के दृष्टिकोण से शाकाहार की तरफ आकर्षित हो रहा है. उस शाकाहार में भी सात्विक भोजन के संदर्भ में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है. ये बहुत बड़ा एक अच्छा चिन्ह है अच्छा एक लक्षण है. तो ओजस कर भोजनों का सेवन करना चाहिए रसायन का सेवन करना चाहिए. साथियों आयुर्वेद का मानना है आहार संभवो वस्तु रोगश्च आहार संभव. ये शरीर आहार के द्वारा निर्मित होता है और रोगों की उत्पत्ति भी आहार से होती है. अतः हमको हित और अहित आहार का विचार करके सेवन करना चाहिए. दूसरी बात आते हैं आचार. आचार में मैंने लाइफस्टाइल की बात कही. आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जिसके अंदर दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या सद्वृत आचार रसायन कॉन्सेप्ट ऑफ धारणी अधारणी वेग इस प्रकार के ज्ञानपूर्ण चीजों का उल्लेख है कि यदि का इसका हम सेवन करते हैं तो बिना किसी औषधि सेवन के अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं. अब बात आती है औषधि की. तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद में जो प्रयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन का है प्रिवेंशन प्रमोशन क्योर एंड रिहेबिलिटेशन ये 4 डायमेंशनल गोल है WHO का. इनमें से पहला है प्रिवेंशन जिसके बारे में अभी चर्चा किया. प्रमोशन की बात जब हम करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जा सके तो इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि स्वस्थस्य ओजस करम यत्तु यद्वृश्यं तद्रसायनम्. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को और अधिक बढ़ाना है ओजस्कर करना है तो इसके लिए हमारा रसायन और बाजीकर नाम के 2 स्वतंत्र अंग हैं अष्टांग आयुर्वेद में जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द मेडिसिन आर डिस्क्राइब्ड
They can boost up the immune system, they can boost up the immunity, they can promote the health of the healthy individuals. So these measures can be practiced. यह आयुर्वेद की अपनी विलक्षणता है, तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, याद रखें कि कभी भी आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग इस उद्देश्य से जब किया जाए तो शरीर को शोधन करने के बाद ही किया जाए। जिस प्रकार से अभी शुद्ध युक्त रसायनो विधि बाजी करे हुआ मन ने वस्त्र रंगे बाफला, जिस प्रकार से किसी मैले कुचले वस्त्र को अगर आप रंगना चाहें तो उस पर रंग अच्छी प्रकार से नहीं चढ़ता है, तो ठीक उसी प्रकार से उसे साफ करने के बाद अगर आप रंगेंगे तो रंग अच्छी तरह से चढ़ेगा। वैसे ही शरीर में रसायन और बाजीकरण औषधियों का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको करना है तो पहले शरीर का शोधन करना होगा, जिसके लिए हमारे यहाँ पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आफ्टर पंचकर्म थेरापी यू कैन यूज रसायन एंड बाजीकरण ड्रग्स टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज रसायन ड्रग्स। तो इसका हमें प्रयोग करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। साथियों, जहां तक मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ इंडिविजुअलाइज बात की जाती है, सिमिलरली इट हैज आल्सो बीन इंडिकेटेड इन आयुर्वेदिक क्लासेस बाय चरक एंड चक्रवाणी नच्च सर्वाणि शरीराणि व्याधि चमत्वे समर्थानि भवन्ति। ऑल द पर्संस आर नॉट कैपेबल टू अपोज द एगोनी ऑफ द डिजीज। हर व्यक्ति जो है रोगों से बचाव के लिए समर्थ नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति का जो इम्यूनिटी का स्टेटस है वो भिन्न भिन्न होता है। और साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग जैसा जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अगर है तो रोगों से हमको बचाएगी, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी केवल रोगों से बचाव के लिए नहीं है, व्याधि क्षमित्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत, ये दोनों तरह से काम करती है कि एक जो है व्याध उत्पादक प्रतिबंधक का काम करती है, फैक्टर्स दैट अपोज द जेनेसिस ऑफ डिजीज। इफ यू इम्यूनिटी आपकी बूस्ट अप है तो रोगों से आप बचे रहेंगे। अगर आप किसी कारण से रोगी हो भी जाते हैं, इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन व्याध बल विरोधात्व विरोधत्व दैट इज फैक्टर्स एक्ट अगेंस्ट डिजीज फोर्स, रोग के अंगेस्ट में काम करके रोग की इंटेंसिटी को कम करती है, कम मेडिकेशन से ही रोगी को लाभ मिल जाता है, ये भी हमारे व्याधि क्षमत्व का काम है। तो इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में दिया गया है अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है और वैज्ञानिक है। व्याधि क्षमत्व बल से क्या होता है, स्थिरोपचित मांसतः स्ट्रॉन्ग एंड वेल फॉर्म मस्कुलेचर। आप देखेंगे शरीर आपका रेस्टफुल दिखाई पड़ेगा। सर्वचेष्टा स्वप्रतिघाता प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल मोटर एक्टिविटीज स्वरवर्ण प्रसादो क्लियर वॉइस, इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल सेंसरी मोटर एंड साइकिक फंक्शंस, ये हमारे सामने दिखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में रोगियों की संख्या बढ़ते बढ़ते नियर अबाउट 80 लाख के करीब आज पहुंच चुकी है। अन्य कंट्रीज में कम है, लेकिन हमारे यहाँ की रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, मोर्टिलिटी बहुत कम है ड्यू टू हार्ड इम्यूनिटी, और साथ साथ में हमारे घर घर में जो किचन रेसिपीज में जिन मसालों का हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे धनिया हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे सौंफ हो, चाहे इसी प्रकार से हम लोग दालचीनी का प्रयोग करते हैं, तेज पत्ता का प्रयोग करते हैं, ऑल दीज मेडिसिन आर हैविंग वंडरफुल इफेक्ट ओवर द इम्यून सिस्टम। That's why हमारे यहाँ के लोग अगर प्रभावित भी हो रहे हैं तो रिकवरी भी बहुत तेजी के साथ हो रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति और हमारी जीवन शैली के कारण। आप जानते हैं कि मैक्सिमम सिम्टम्स आपके कोविड 19 प्रेजेंटेशन में मिलते हैं, उनमें फीवर इन 88% पेशेंट्स, ड्राई कप इन 68% पेशेंट्स, फैटिक इन 38% पेशेंट्स, सिमिलरली स्पूटम प्रोडक्शन इन 33% पेशेंट्स, लॉस ऑफ एस्पेल 15-30% पेशेंट। Thereby, these are the common things. Now we want to highlight who are at risk for severe illness. ऐसे कौन से लोग हैं जिनको के COVID-19 होने के बाद सीवियरिटी के अंदर बदल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि बल के जो तीन स्टेजेस मैंने आपके सामने कही, सहज बल, कालज बल, युक्तिकृत बल। सहज बल के सामान्य रूप से जिनका बल उत्तम होता है उनमें कोविड 19 के एक्सपोजर होने के बाद भी कोविड 19 शरीर में सरवाइव नहीं कर पाता। जिनका मध्यम बल होता है उनमें कोविड 19 शरीर में जाएगा, रुकेगा, इट विल बी सरवाइव, बट देयर विल बी नो मल्टीप्लीकेशन टिल इट विल नॉट मल्टीप्लाई एंड नॉट रीचेज अप टू द डिजायरेबल नंबर, देयर विल बी नो सिम्टोमेटोलॉजी एट ऑल। इसको हम कहते हैं कैरियर पेशेंट्स, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। बट इन द केस ऑफ द हीन बल
when the compromised immunity in that particular group patient mein coronavirus jaise body mein jayega, it will highly speedy multiplication is there, and automatically patient will fall into the complication group. There will be severe hazards in the form of the respiratory distress. Patient might be having the need of the ventilators. These patients, due to the lack of immunity, jis bal ki kami ke karan, so who are at risk for severe illness? People aged 65 years and older, because there will be gradual decline in the immune status of the individual after the age of the 65 years. People who live in nursing homes or long term care facilities, lambe samay ke liye chikitsalay mein bharti hain. Other high risk conditions include people with the chronic lung disease CLD or moderate to severe asthma COPD, people with heart disease and complications, uncontrolled diabetes, that is equally important disease, yahan pe aapki immunity kam ho jati hai, immunocompromised like HIV and prolonged use of the corticosteroids. ऐसे पेशेंट्स को हाई रिस्क का खतरा रहता है, इसका हमें विशेष ध्यान देना होगा. डियर फ्रेंड्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकरेंस की बात हम करते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकरेंस, इसके बारे में भी आपके सामने आया कि रिकरेंस ऑफ सार्स कोविड-19 इंफेक्शन विद ए मोर सीवियर केस आफ्टर माइल्ड कोविड-19 रिवर्सन ऑफ आरटीपीसीआर फॉर पॉजिटिव एंड लेट एंटीबॉडी रेस्पॉन्स. इसके बारे में जो चर्चा की गई, जो आया रिपोर्ट आया इन ए फॉलो अप डाटा ऑफ द 1146 कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स इन इटली, नियरली 10% ऑफ द रिकवर्ड पेशेंट्स टेस्टेड निगेटिव एट आरटीपीसीआर नेजोफ्रेंजियल स्वाब. Most of the patients are asymptomatic at the time of the recurrence, while few complain of fatigue and respiratory difficulty. ये आपका कुछ cases इस तरह के report हो रहे हैं, इसमें भी हमको ध्यान देना होगा. आयुर्वेद intervention के पहले हम चर्चा करना चाहेंगे आपको. आप long time जो COVID-19 के patients होते हैं, उसमें आपका brain, heart और lung तीनों प्रभावित होते हैं due to involvement of brain. Brain में आपका olfactory lobe जो है, olfactory lobe से आपका enter करके ये आपका brain में पहुंच जाता है, demyelination करता है, आपके myelin sheath को damage करता है, और ultimately the patients are having depression, anxiety. These are the common symptoms, vertigo, insomnia, fatigue, headache. ये आपको patients को मिलेंगे due to the involvement of the heart and lung. Patient is having chest pain and cough, skin rash might be there, or due to the involvement of joint, ultimately patient is having myalgia or joint pain. Ye common aapko dekhne ko milega. Now we are talking about the Ayurveda intervention during COVID-19 pandemic. Unexposed or asymptomatic group mein जो हमने किया, आपको कहा कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल का प्रयोग करना है, बताना है लोगों को, सामान्य रूप से जो औषधियां हैं, च्यवनप्राश है, ब्राह्म रसायन है, अमृत बल्लाथा है, संजीवनी बटी है, स्वर्ण प्राशन का प्रयोग बड़ा तेजी के साथ किया जा रहा है, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं. विद माइल्ड कोविड-19 पेशेंट्स पिपली रसायन, गोजिबा क्वाथ, कंटकारी अवले, चित्रकारी बटी, बागरी हृदय की, दसमूल क्वाथ, सितोपलादी चूर्ण, तालीसादी चूर्ण में एस्टी बधु, इनका हम प्रयोग करते हैं. एक्सपोज्ड एसिम्प्टोमेटिक क्वारंटीन जो पेशेंट हैं, उनको अगर बुखार वगैरह है तो संजीवनी बटी देते हैं, एपेटाइट में अंतर आ रहा है चित्रकारी बटी देते हैं, डिकॉक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ दी हर्ब्स चिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ब्लूची है, अदरक है, शुंठी है, और आपका कुरकुमा लौंगा, हल्दी है, तुलसी है, और अपना मुलेठी है, वाशा है, कालमेघ है, शीरीष है, और साथ में त्रिफला और त्रिकुटू का प्रयोग हम कर सकते हैं. और विद मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स में एज एन एडजुवेंट, ये हम आयुर्वेद मेडिसिन को अलोंग विद दिस मेडिसिन दे कैन बी रिकमेंडेड. लघु बसंत मालती रस, मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनमें हमें मॉडर्न प्रोटोकॉल के साथ में तत्सत रोगों से संबंध आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, सो दैट वी कैन कीप दोज पेशेंट्स अवे फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज. These are the common medicines, ये लाइफ स्टाइल जो हमें भी चर्चा आपके सामने अभी किया. देन वी कम टू द नेक्स्ट वन.
हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट इश्यू. जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन, फॉर द ग्लोबल सिविलाइजेशन. आप देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी से हमने ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ये जो हमारी जो एंडेमिक्स, जो आपके एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स आए हैं, कॉलरा पेंडेमिक 1817 से 1923 के बीच में हुआ, जिसमें जो है 1 मिलियन से ज्यादा डेथ हुई. और थर्ड प्लेग जो है 1885 में आया, इसमें जो देखा कि 12 मिलियन चाइना और इंडियन में मिला के डेथ हुई. येलो फीवर से करीब 1 से 1.5 लाख यूएस में डेथ हुई. रशियन फ्लू 1889-1890 में आया और इसकी वजह से 1 मिलियन के करीब डेथ हुई. स्पेनिश फ्लू से करीब 40 से 50 मिलियन डेथ हुई. इसी प्रकार से एचआईवी एड्स से आज तक करीब 25 to 35 मिलियन डेथ्स आपकी हो रही है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. सार्स की वजह से आप देख रहे हैं, इबोला की वजह से, कोविड-19 की वजह से आज की स्थिति है, करीब 80 लाख पेशेंट्स आपके प्रभावित हैं और 70,600 अप्रैल 6 तक डेथ हो चुकी हैं. तो ये जो है क्या है, आयुर्वेद का अपना मानता है कि आयुर्वेद का जो मान्यता यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द माइक्रो और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज कंसर्न. वी बिलीव दैट द इन केस ऑफ द इंफेक्शियस डिसीजेस, नो डाउट द इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज इंपॉर्टेंट plays an important role in the manifestation of disease, but we believe in the field theory, unlike the seed theory of the Western medicine. हमारा मानना है कि ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात् गर्भ स्यात् पूर्वक ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यात् अंकुरयथा. किसी भी बीज को अगर जमीन में डाल दिया जाए तो वो अंकुरित सब बीज नहीं हो पाते. उसके लिए 4 फैक्टर्स चाहिए. ऋतु द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, क्षेत्र द फील्ड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, अम्ब देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई, एंड बीज द क्वालिटी ऑफ द सीड मस्ट बी प्रॉपर. यहां पर केवल सीड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सीड फोर्थ फैक्टर. तो हियर वी बिलीव देयर द फील्ड थ्योरी टिल योर इम्यून स्टेटस इज अप टू मार्क, इन स्पाइट ऑफ एंट्री ऑफ ए पैथोजन इन द बॉडी देयर विल बी नो डिसीज एट ऑल. व्हेन इट इज कंप्रोमाइज्ड देन द सीड develop in the body, multiply in the body and reaches up to your desirable number, then there will be manifestation of the symptoms of the disease concern. तो हमारा अपना मानना है, इसलिए हम इम्यूनिटी पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं. यही कारण है कि आयुर्वेद मनीषियों ने हजारों साल पहले 5000 years ago सुश्रुत में निदान स्थान में कहा कि प्रसंगात का संस्पर्शा न्यासा सह भोजनात् एक रोगी के दूसरे रोगी में कैसे रोग फैलता है बता दिया. इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैज नॉट डिस्कस्ड रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, बिकॉज उनका मानना था कि द आयुर्वेदिक मेडिकमेंट्स आर स्पेसिफिकली मेंट to boost up the immune system so that any pathogen cannot develop in the body, cannot multiply in the body, thereby we can control infectious diseases up to large extent. तो ये हमारा मान्यता थी. और आयुर्वेद का आप जानते हैं कि हमारा सिद्धांत भी ये आयुर्वेद का प्रयोजन है. स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च. Primary objective of Ayurveda is to maintain the health of the healthy individual, and secondary objective of Ayurveda is to cure the disease of the ailings. That is equally important. तो हम जो है प्रिवेंशन पर विशेष ध्यान देते हैं, ये हमारी आयुर्वेद की मान्यता है. डियर फ्रेंड्स, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंडेमिक्स इन आयुर्वेद, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर इन द फॉर्म ऑफ द जनपदो ध्वंस, मरक, जनमार, महामारी, दीज आर द कॉमन सिनोनिम्स. ये रोग उत्पन्न होकर के पूरे के पूरे जनपद का विनाश कर देता है. 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स, दे आर द वायु, जल, देश एंड काल. आयुर्वेद मनीषियों ने पहले से चर्चा किया कि जल के दूषित होने पर, वायु के दूषित होने पर, देश के दूषित होने पर, काल के दूषित होने पर ये जो है रोग एक बड़े भूभाग में को प्रभावित करते हैं. इनको हम जनपदों ध्वंस के रूप में जानते हैं. सो मेनी पेंडेमिक्स आर डिस्कस्ड इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. देन वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पेंडेमिक ऑफ कोविड-19. डियर फ्रेंड्स, इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स रसायन इज डिफाइंड एज लाभोपायो सस्तानाम रसादीनाम रसायनम. बाय द मेजर वी कैन एनरिच अवर वाइटल टिश्यूज
So that ultimate vital tissue in the form of the oath, that is strength or immunity or bulk, can be enhanced. So hamare yahan the medicinal therapy which produces the best quality of the ras, rat and other dhatus is rasayan. What are the qualities? What are the properties? What are the symptoms? Agar rasayan ka hum prayog kare to kya milega humko, kya labh honge? Dirgham ayu svartanam yedam aarogyam tarunam vaya prabhavarna sarodaryam dendriyam balam param bhaksidyam pranatim kanti labhate narasayanat labho payo sastanam rasadinam rasayanam. Dear friends, dirgham ayu, longevity, smritim, boost of the memory, medam, the total intellect, aarogyam, disease free life, tarunam vaya, there will be decline in the process of aging, prabhavarna sarodaryam, boost of the this complexion and the luster of the body, dehendriyam balam param, it will boost up your in the sense for sense organs, physical power, mental power, bhak siddhim, strong energy, energetic, you can say the orison power, kantim, there will be increased glow of the body. These are the common qualities which can be achieved with the help of the rasayan therapy, as discussed in our classes. Dear friends, ये जो हमारी थेरापी है तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज इन ह्यूमंस इज अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ मेडिकोस. द नोबल अल्टरनेशन ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल्स इन द इम्यून मॉड्यूलेशन, जो एंटीबायोटिक्स की बात हमारे यहाँ कही गई है, उससे अधिक ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम जो है किसी स्पेसिफिकली किसी पैथोजन के लिए एंटीबायोटिक की बात न करें. बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द एंटीबायोटिक, अल्टीमेटली द हेल्दी फ्लोरा इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. It's a common thing. That's why we are talking about the probiotics or prebiotics in present era. So, यहाँ पर हमारा तात्पर्य कहने का है कि यदि हम antibiotics की जगह पे जो कि specifically एक pathogen विशेष के लिए होते हैं, उसका लाभकारी का immunomodulation की बात करें, innate immunity और adaptive immunity के लिए जो wings आपकी बताई गई हैं, complement है, granulocytes हैं, mast cells हैं, NK cells हैं, basophils हैं. और दूसरे विंग आपका जो होता है एडेप्टेटिव होता है, जिसमें आपके टी सेल लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं. तो इन दोनों विंग्स को अपग्रेड करने के लिए आयुर्वेदी औषधियों का यहाँ स्वाति हाँ इम्यूनोमोडुलेशन होता क्या है. एन इम्यूनोमोडुलेटर मे बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस बायोलॉजिकल और सिंथेटिक विच कैन स्टिमुलेट, सप्रेस और मॉड्यूलेट any of the complements of the immune system, including both innate and adaptive arms of the immune response. ये जो है immunomodulation के बारे में बताया गया है. Then we are talking about the objective of immunomodulation. मैंने बताया कि advantage of immunomodulator over antimicrobials, they overcome the emergence of resistance since they do not act on microbes directly. इसमें कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती जाएगी. और आज आप देख रहे हैं जब हम ट्यूबरकुलर पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. एमडीटी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस इज द बिगेस्ट बर्डन ऑफ द कंट्री. और मैं भारत सरकार में आयुष एनटीपी कोलेबोरेशन के माध्यम से जो आपका स्पेशल ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप का मैं मेंबर भी हूँ. तो मैंने अपने ग्रुप में ये सजेस्ट किया कि वी हैव गॉट सर्टेन आयुर्वेदिक ड्रग्स इफ दे आर यूज्ड अलोंग विद दी मॉडर्न एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दे कैन प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड दे कैन पोटेंशिएट एक्शन ऑफ दीस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आल्सो. तो ये इनका प्रयोग हम कर सकते हैं. इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि अश्वगंधा इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्रग दैट कैन पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और रेजिस्टेंस पेशेंट्स में भी ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है. तो ये हमको जानना चाहिए कि एंटीबायोटिक से ऊपर इनका ये प्रभाव होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का. अब ये जो है सामान्य रूप से जो सिम्टम डेवलप करते हैं इसके बारे में डिटेल हम आपके सामने नहीं जाएंगे. अब हम चर्चा करेंगे कि न्यूरो इन्वेजन ऑफ द होस्ट कोविड 19 जो होता है, कोविड 19 इन्वेड्स इन द सीएनएस टू इंड्यूस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस. वायरस एंटर्स एंड डिस्ट्रॉय द मेडुलरी न्यूरॉन्स. Apart from respiratory suppression of COVID-19 patients, they show headache, nausea, vomiting, cognitive difficulty and brain fog due to the involvement of the cerebral functions, the brain functions.
कॉमन ड्रग्स विच आर रिकमेंडेड फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ द आयुष पेशेंट्स ये बताई गई है। इसके बारे में आप जानते हैं जिन दवाओं का मैंने नाम लिया, दे आर दी कॉमन ड्रग्स अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, मुलेठी, तुलसी और आंवला। यहाँ आप देखते हैं कि इन औषधियों में से अधिकांश औषधियां जो उष्णवीर्य हैं, क्योंकि कफ और बात पर काम करती हैं। केवल दो औषधियों का जिक्र जो मैंने किया है आपको, ये आपकी जो है शीतवीर्य की औषधियां हैं, जिसमें मुलेठी और आंवला। अब आप देखते हैं ये साइंटिफिक स्टडी प्रूव कर रही है, आई एम नॉट टॉकिंग दीज थिंग्स, केवल हम आपके सामने शास्त्रीय प्रमाण के अतिरिक्त आज के वर्तमान वैज्ञानिक शोध के अनुसार इन औषधियों की गुणवत्ता अपने आप में स्वतः प्रमाणित की गई है, जो बहुत ही लाभकारी है। आप देख रहे हैं कि कालमेघ इज सपोज टू बी दिस अश्वगंधा इज एंटीवायरल, एडेप्टोजेनिक, एंटी स्ट्रेस, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। सिमिलरली गिलोय इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग, इट इज एंटी फीवर, एंटी वायरल, एंटी एचआईवी, इन सिलिको इट हैज बीन प्रूव्ड। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कालमेघ, दैट इज सपोज टू बी बिटर टॉनिक एंड इट इज इक्वली इफेक्टिव एज ए एंटी वायरल ड्रग, इफेक्टिव इन द पेशेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस। इवन दिस ड्रग हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन द पेशेंट ऑफ द हेपेटाइटिस बी एंड सी, दैट आर सपोज टू बी मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम्स। Because most of the patients suffering from hepatitis and B and C, the 80% patients either convert into the liver cirrhosis or the liver cancer. That's why kalmeg plays an important role in the prevention of such type of the diseases. Then we are talking about the istimadhu, buleti. It is equally in vivo, antiviral, effective in hepatitis and influenza. Tulsi, home remedy. Very useful for day-to-day ailments. It's supposed to be antiviral, bronchodilator, antibacterial, and very effective in influenza. Similarly, amla is supposed to be vayastha. It is one of the best drug to decline the process of aging. Then we are talking about the antioxidant, antimicrobial, immunostimulant, and anti-aging. These properties have been proved on different scientific parameters. We are talking about the ashwagandha. It is containing tikta and kasai ras, lagu in guna and ushna in virya, madhur in vipak, rasayan, baat ka nashak hai, valya hai, vajikar hai, in vishayon kaam karta hai. Iski dose hai 3 to 6 gram of the crude powder. And remember this thing, Ayurveda crudopathy ki baat karta hai. Main kabhi isko recommend nahi karta hoon ki isko capsule form mein use kiya jaye. The dose of the ashwagandha powder is 3 to 6 grams. जहां तक सवाल अब होता है क्रूडोपैथी का, कि कॉमन उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूं कि सर्पगंधा इज यूज्ड इन द आयुर्वेदिक क्लासिक्स फॉर 1000 इयर्स। इसके बाद फॉर यूजिंग सर्पगंधा चून फॉर इयर्स टुगेदर देयर विल बी नो साइड इफेक्ट एट ऑल। द मॉडर्न फार्माकोलॉजिस्ट आइसोलेटेड मोर देन 251 एल्कलॉइड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्रग। वन एल्कलॉइड इज रिसर्पिन दैट कैन बी यूज्ड इन द डोज ऑफ द 0.25 मिलीग्राम that can decline the hypertension, high blood pressure very fast. In spite of that, if you use this drug for a long time, not more than 1 month, you see most of the patients are having the suicidal tendency as a side effect, because the side effects of a particular alkaloid will be controlled or overcome by its co-alkaloids, which are already present in the total extract of the ashwagandha. That's why we believe in crudopathy. We are using ashwagandha as a whole in the form of the churn. That's why there will be no side effect at all. So, ye humko janna chahiye iska prayog karne ke pehle. Bithania Somnifera par jo studies hui hain, Bithania Somnifera traditional Ayurvedic medicine, TH1 immunomodulatory properties, peripheral blood monosphere, 38 HIV patients were exposed to Bithania Somnifera root extract at standardized concentration, and overall decline in the percentage of the CD38 expressing CD8 plus T lymphocytes was observed. Administration of an extract of the powdered root of the Bithania Somnifera was found to stimulate immunological activities in vitro, Bithania somnifera showed an enhancement in a phagocytic activity of peritoneal macrophages. Yeh aapko jo hai mice mein dekhne ke liye mila. Similarly,
86% पेशेंट्स में इन स्टडी ग्रुप में देखा गया कि ये जो है स्पूटम को कन्वर्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी, ऐसे पेशेंट्स को बहुत लाभकारी मिला। तो अश्वगंधा का यहाँ भी प्रयोग करके देखा गया, तो एंटीवायरल एंड इम्यून रेस्पॉन्स है इसका, इसका प्रिवेंटिंग बायरेक्सिया, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, मेंटेनिंग वैस्कुलर इंटीग्रिटी, और दूसरा कंजर्विंग एल्वियोलर स्पेस। ये स्टडीज में प्रूव हुआ है आज के वर्तमान शोध कार्यों के द्वारा। तो बिथानिया बिथानोन फ्रॉम बिथानिया सोमनीफेरा मे इनहिबिट नोवल कोरोना वायरस एंट्री बाई डिसरप्टिंग इंटरक्शन बिटवीन वायरल एस प्रोटीन रिसेप्टर्स वाइंडिंग डोमेन एंड होस्ट ACE2 रिसेप्टर। ये इसको रोकता है इसकी एंट्री को। तो किस प्रकार से ये अश्वगंधा का प्रयोग हमारे COVID-19 पेशेंट्स की प्रिवेंशन के लिए लाभकारी है, ये प्रूव किया गया है साइंटिफिकली। डियर फ्रेंड्स, यही अश्वगंधा जो है टीनोस्पोरा पॉलीफेडियर ऑसिबम सर्टन ग्लोग्लोसी मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडी में ये प्रमाणित हुआ है कि एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट बिथानिया सोमनीफेरा टीनोस्पोरा पॉलीफोलिया ऑसिबम सर्टन प्रिडिक्टेड टू सिग्निफिकेंटली हिंडर मेन प्रोटीएज ऑफ सार्स COVID-19 पेशेंट्स COVID-2। ये जो है ये प्रूव हुआ है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरह प्रभावी हैं। इसी प्रकार से हम ग्लूसी की बात करते हैं तो ग्लूसी में आप देखेंगे कि इट हैज गॉट दी ट्यूंगे फैगोसाइटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है ये, ठीक है। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का कहां कहां प्रयोग किया गया है, राइनाइटिस के सिम्टम्स को एलर्जिक राइनाइटिस में कंट्रोल करती है, रिमार्केबली इंप्रूव्ड प्रोसेस ऑफ द हीलिंग ऑफ वुंड्स में लाभकारी है, हिस्टामिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म में कंट्रोल करती है, इसोनोफिल काउंट को कम करती है, ये सारी चीजें बहुत लाभकारी है। कालबेक की मैंने आपको भी चर्चा किया, कालबेक अपने आप में बहुत बड़ा टॉनिक है, इसका हम प्रयोग करते हैं ये ARTI में, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी लाभकारी है, ये प्रूव्ड हुआ है। उसी प्रकार से तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी के लिए भी बात कफ जित बात और कफ के लिए वंडरफुल रेमेडी थ्रू आउट दिस कोल्ड सीजन, कोल्ड वेदर में लगातार तुलसी काली मिर्च और अदरक को चाय के रूप में प्रयोग करने के लिए ये इंडिकेटेड है। तो इस कोरोना कालखंड में तो इसका नियमित रूप से प्रयोग हो रहा है और करते रहना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे मुलेठी है, मल्टीपल एक्टिविटीज ऑफ द मुलेठी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज व्यवस्थापन इस प्रिवेंट्स एजिंग, कंठ गुड फॉर द थ्रोट प्रॉब्लम्स, जो हमारे संगीतज्ञ होते हैं इसका प्रयोग करते हैं, गला या स्वरभेद के रोगियों में बहुत लाभकारी है, रसायन रिजुविनेशन, तो स्टॉप्स वॉमिटिंग, इट स्टॉप्स एक्ट्स एज एफ्रोडिसियाक, इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्रग फॉर द ब्रेन टॉनिक आई साइट के लिए, ये सारी चीजों के लिए ये लाभकारी चीजें हैं यष्टि मधु। तो इसके बारे में तमाम आपके एक्शंस आपके प्रूव किए गए हैं कि ग्लिसराइजिन एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लिक्विडस रूट्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ द सार्स एसोसिएटेड कोरोनावायरस, इसके रेप्लिकेशन को ये रोकती है ग्लिसराइजा ग्लैबरा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसी प्रकार से हम आंवला की बात करते हैं, आंवला इज सपोज टू बी फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज, इट इज सपोज टू बी बेस्ट ड्रग टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ एजिंग, दैट्स व्हाई द नेम व्यवस्था हैज बीन गिवन टू दिस पार्टिकुलर ड्रग। पंचरस लवण विवर्जित पांच रस के अंदर होते हैं, सो वेरी इफेक्टिव रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी, च्यवनप्राश में रहता है मैक्सिमम कंटेंट आपका आंवले का, तो आंवला का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी है। ये आयुर्वेद का महारसायन कहलाता है, ये सभी बीमारियों में यूज कर सकते हैं, रिफर टू ए महारसायन ड्यू टू इट्स थेरेप्यूटिक पोटेंशियल, द क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ द फ्रूट्स इज हाई इन द एस्टीम ऑफ द आयुर्वेद एंड द फ्रूट्स ऑफ द आंवला आर यूज्ड इन आयुर्वेद एज ए पोटेंट रसायन, आंवला इज गुड फॉर ऑल दोसाज एंड सीजंस, इट इज स्पेशली इफेक्टिव इन द हॉट सीजन टू कूल पित्त दोष, इट इज गुड रसायन फॉर द पीपल विद द पित्त एंड वात कफ बॉडी टाइप्स, द फ्रूट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए हैविंग अ सावर टेस्ट विद कूलिंग प्रॉपर्टी, ये जो है इसके गुण है। तो इस प्रकार से साथियों कि ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेद में इस प्रकार की रसायनों का भरमार प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक मापदंडों पर यह प्रमाणित हो चुका है कि आयुर्वेद औषधियों की गुणवत्ता इसको बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है, इसका हमको हम प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है, तो इसको हमको प्रयोग करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपको ये सिद्ध करता है कि आयुर्वेदिक औषधियां
स्वाति 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 आओ एक मिनट। तो इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता बहुत ही लाभकारी है और इसको हम लोग इसका प्रयोग करना चाहिए। हेलो जोशी जी। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन था। उम्मीद है कि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अभी, जिनमें महेंद्र चतुर्वेदी जी हैं जो आपको नमस्कार कह रहे हैं, सुकुमार जोशी जी हैं और साथ में जुड़ते हैं डॉक्टर विकास विश्वकर्मा, रंजीत गुप्ता, एमडी दुबे, नरेंद्र कुमार सिंह, ये सब सर आपको सराह रहे हैं। बहुत ही अच्छा और सराहनीय। डॉक्टर सुनील रतुड़ी जी, पंकज कुमार, और डॉक्टर सुनील रतुड़ी कहते हैं कि वर्तमान समय आयुर्वेद के पुनर्जागरण का काल है। इस समय हम सभी को जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है हम सभी की, इसलिए हमें अपने आयुर्वेद ज्ञान से अपडेट रहना चाहिए। ज्योति अग्रवाल जी आपको नमस्कार कह रही हैं, राजेश शाह, डॉक्टर राहुल कनौजे और अवनीश भूषण पांडे जी। तो यहाँ पर एक सवाल है जो हमसे पूछा है सुकुमार जोशी जी ने कि पोस्ट कोविड डिबिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। सर देखिए, आपको ऐसी कंडीशंस में, आप अगर गाइडलाइन में देखेंगे ना, जो गाइडलाइन हमारी आयुष मंत्रालय की जारी हुई है उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन फिर भी आप ये याद रखें कि गुड़ूची, अश्वगंधा और बुलेठी, इन तीनों का प्रयोग हमको करना है और जनरल डिबिलिटी भी इससे आपकी दूर होगी, इम्यूनिटी भी आपकी बूस्टअप होगी, इसका हम प्रयोग जरूर करें। साथ में अगर आपके कोई रेसिडुअल सिम्टम्स बसते हैं, माइल्जिया वगैरह बसता है, तो जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, तो हम रास्ता सप्तकवात को यथा आवश्यक प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से अश्वगंधा, बला, मुलेठी, तुलसी, अकाल मेघ और मुलेठी, ये सब चीजों का प्रयोग मैंने बताया। इसका प्रयोग नियमित रूप से आपके पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी नॉर्मलाइजेशन के लिए करना चाहिए। जी उम्मीद है वो जवाब अपना उन्हें मिल गया होगा। सर जैसे अभी आपने अपने प्रेजेंटेशंस में और आपने अपने उद्बोधन में बहुत सारी चीजों को कवर किया, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, तो उसमें जो सबसे बड़ी एक चीज हमें देखने में आती है कि जो आयुर्वेद से जुड़े जो डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी कमी लगती है, तो इस दिशा में शायद अब प्रयास होंगे। जैसे जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी आयुर्वेद को स्वीकारा है और कहा है कि इसको मतलब थोड़ा रिसर्च और साइंटिफिक अप्रोच आयुर्वेद का बढ़ना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन और जो दवाइयां हैं उनके क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग ट्रायल, इन सबको और ज्यादा मतलब एक लेवल का बनाने चाहिए, जिससे कि जैसे अभी आईएमए का जो स्टैंड था कि आईएमए ने जो लिया, तो इस तरह की चीजें भविष्य में ना हो, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो बहुत लंबे समय तक लोगों को रोगों से लड़ने में बहुत मदद कर सकती है। तो इस विषय में सर, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होने के नाते आपको कैसा क्या लगता है कि कहाँ कमी है और क्या? डॉक्टर मुग्धा जी, आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न को उठाया है और आज के परिदृश्य में ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि नाउ द आयुर्वेद इज नॉट बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, नाउ इट हैज बिकम द ग्लोबल प्रॉपर्टी, और यू कैन नॉट कन्विंस द मॉडर्न कम्युनिटी और द ग्लोबल कम्युनिटी टिल वी विल नॉट प्रूव द एफिकेसी ऑफ द आयुर्वेदिक ड्रग्स ऑन करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स। तो आज हमारा ये दायित्व है कि आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता को आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर प्रमाणित, उनके लिए हमारे प्रमाणित हैं, हमारे मापदंड अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनको प्रमाणित करने के लिए मैं एक चर्चा आपको करना चाहूंगा कि बुद्धा इंटरनेशनल टीवी के माध्यम से हमारे किसी दर्शक ने हमारी इन औषधियों का प्रयोग शुरू किया, आयुष काढ़ा लेना शुरू किया, नाउ रिपीटेडली कि आपकी, वो कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक कोई ट्रायल इस पे हुआ है कि नहीं, इसका कोई प्रूफ चाहिए। हमारे यहाँ जो अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा दायित्व है और आप इस संदर्भ में काफी प्रकाशन चल रहा है, बहुत शोध कार्य चल रहे हैं, डिफरेंट सेंटर्स पर काम हो रहा है और बहुत आने वाले 2 महीनों के अंदर आप देखेंगे आपको जो काम अभी विगत 70 वर्षों से नहीं हुआ वो काम आपका विद इन ईयर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, आज आपको अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने का समय आया है। तो मैं सभी उन चिकित्सकों को,
जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे डॉक्टर एम डी दुबे हो, हमारे अलावा से डॉक्टर सुधीर सुधांशु उपाध्याय हो, डॉक्टर अवनीश पांडे हो, ये युवा चिकित्सक हैं। इन चिकित्सकों को यह चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल बर्बल कहने की जरूरत नहीं है, आप किसी पेशेंट को कोई आप देखते हैं, रिकॉर्ड मेकिंग, रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। मैंने अमेरिका में मैं व्याख्यान देने गया, मैंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में वो लगातार पेशेंट्स का डाटा रखते हैं। आप हर पेशेंट का रिकॉर्ड तैयार करिए, अपना डाटा तैयार करिए, आप देखेंगे कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से एक महीने के अंदर ही आपके पेशेंट की संख्या बढ़ेगी और यू कैन गेट ए कंक्लूजन। और अच्छे तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से दूसरों को भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। जब तक कोई शिक्षक, जब तक कोई चिकित्सक खुद कॉन्फिडेंट आरबीएस के ऊपर नहीं होगा, तब तक वो नई जनरेशन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर सकता। मैं स्वयं द डे आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आई डिसाइडेड आई विल नॉट प्रिस्क्राइब ए सिंगल मॉडर्न मेडिसिन ऑन माय प्रिस्क्रिप्शन। अगर किसी पेशेंट को आधुनिक चिकित्सा लेना है, आई नो वी हैव गॉन थ्रू द होल मॉडर्न लिटरेचर, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मॉडर्न लिटरेचर अपडेट करता हूँ, लेकिन अगर किसी को मॉडर्न ट्रीटमेंट लेना है, बेटर ही आई रिफर द पेशेंट गो टू द मॉडर्न फिजिशियन एंड टेक द मॉडर्न ट्रीटमेंट फ्रॉम हिम हिज साइड। आपको अपनी औषधियों की गुणवत्ता पे खुद विश्वास होना चाहिए और उसका नतीजा ये आया कि आज वो कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी औषधियां, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंसर कोमॉर्बिड कंडीशन की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, इन सच सर्कमस्टांसेस आपके पास जो पेशेंट आता है वो ये कहता है कि हम कैंसर के लिए आए हैं, पहला क्वेश्चन करेगा कि क्या हमारा कैंसर ठीक हो सकता है, आयुर्वेद तो ठीक हो जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। वो पेशेंट कहां से आया है, वो टाटा मेमोरियल से बंबई से आया है, क्या क्या सुन के आया है, उसको ये कॉग्निशन कर दिया गया है कि आपकी लाइफ स्पान 2 महीने से ज्यादा नहीं है और वो ही इज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम द आयुर्वेदिक फिजिशियन कि आपके हम क्योर हो जाएंगे। तो डोंट मिसलीड द पेशेंट, वी कैन कंट्रीब्यूट थ्री थिंग्स इन सच टाइप ऑफ द पेशेंट्स टू। नंबर वन, वी कैन डेफिनेटली एड सम मोर प्रेशियस डेज, मंथ्स एंड इयर्स इन द लाइफ ऑफ द पेशेंट, नंबर वन। नंबर सेकंड, वी विल डेफिनेटली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदिक ड्रग्स। जो बेड रिडन है, अपनी डेली रूटीन के लिए डिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद कर, इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेद। And third and most important thing is we can definitely minimize the side effects of the chemotherapy or radiation therapy. ये तीन चीजें हम कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा आयुर्वेद का contribution है। तो आप सर कुछ कुछ लाइव और कमेंट्स आए हैं। वंदना पाठक जी कहती हैं, excellent presentation as always सर जी। शशि पुरी है, नमस्कार, बहुत बढ़िया विवेचन है। सुकुमार जोशी जी को, जिनको अभी आपने प्रश्न का जवाब दिया, उन्होंने ही कहा है कि हे मगर्भ प्रभाकर वटी। और रेखा वर्मा जी भी कहती है कि एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन सर जी। बात बिल्कुल सही कही सर आपने कि जब अगर आपको ग्लोबली इसको बढ़ाना है आयुर्वेद को, तो फिर आपको नियम और कानून भी वही सोच करके चलने होंगे जो ग्लोबली एक्सेप्टेंस में मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच, डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत बड़ी जरूरत है आज आयुर्वेद की। इसके साथ में आयुर्वेद जो है फिर उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना। और रेखा वर्मा जी, हैप्पी टू सी यू एज अ होस्ट, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अब हम फाइनली कंक्लूजन वाले फेज में आ गए हैं, तो इस पूरे उसके लिए आपका एक अंतिम हम विचार ले लें, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त। जी जी, देखिए, आप मेरा केवल यही कहना है कि अगर मेरे इस एक घंटे या सवा घंटे के व्याख्यान का अगर हमारे चिकित्सक समुदाय के लोगों ने अगर इसको ध्यान से सुना है, तो मेरा एक ही कहना है कि आपको अपनी औषधियों की गुणवत्ता को स्वयं महसूस करके आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्वास के साथ, आप कोई भी रोगी आपके सामने क्यों नहीं आता, हमेशा इसको फोकस रखना है कि आपको हर रोगी को कोई ना कोई रसायन औषधि का प्रयोग करना है। डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैज गॉट द वंडरफुल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक एंड इंट्रैक्टेबल डिजीजेस। व्हाई अवर मेडिसिन आर मोर बेनिफिशियल इन सच टाइप ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज क्रोनिसिटी ऑफ द डिसीज इज बेसिकली ड्यू टू टू फैक्टर्स, दैट इज इम्यूनोपैथोलॉजी ऑन वन हैंड, देयर विल बी मेम्ब्रेन पैथोलॉजी which can be removed with the help of the panchakarma chikitsa biopurification on one hand, and second one is the immunosuppression
डिसलॉज्ड इम्यूनिटी दैट कैन बी एनहांस्ड विद द हेल्प ऑफ द रसायन चिकित्सा। तो हर रोगी को आपको सिद्धांत याद रखना चाहिए, निदान परिवर्जन, संशमन और संशोधन के उपरांत रसायन औषधियों का प्रयोग याद आप करेंगे तो आप क्रॉनिक एलिमेंट्स में आयुर्वेद की औषधियों की गुणवत्ता को जन सामान्य के सामने रख पाएंगे, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो। और रिमेंबर दिस थिंग, देयर इज लिमिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम। While we are talking about the Western system, it is potent enough to control the emergency management with the help of the antibiotics. But while we are talking about the systemic disorders or the lifestyle related diseases, Ayurveda can contribute a lot in such type of the problems. तो हमको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी औषधियों के प्रयोग अधिक से अधिक करें। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहां तक हो सके you can procure the Ayurvedic crude drugs from the market and prepare them with your own, जहां तक हो सके जितना आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है फार्मास्यूटिकल हाउसेस को कि गुणवत्ता पूर्वक औषधियां हमको उपलब्ध कराएं, जिसकी वजह से यदि आयुर्वेद का मार्केट बढ़ेगा उनको भी लाभ होगा, तो औषधियों की गुणवत्ता से कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो साथियों, आपको बूस्ट रहना होगा कि कोरोना कालखंड में आपको एक अवसर मिला, उस अवसर को आपने उस आपदा में उस अवसर को तलाशा और प्रधानमंत्री महोदय की ये अवधारणा थी उसको आपने पूरा किया और आयुर्वेद के लोग इसमें बहुत सीमा तक खड़े उतर रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इसी प्रकार से आगे लगे रहेंगे तो आगे आने वाला समय आपको स्वीकारोक्ति मिलेगी, संपूर्ण विश्व की तरह से स्वीकारोक्ति मिलेगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारे देश में आयुर्वेद की उत्तरोत्तर उन्नति होगी और हमारे यशस्वी पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जैसे नेतृत्व के चलते आयुर्वेद के विकास की पूरी संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मुग्धा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी कंपेयरिंग के लिए, आपके मॉडरेशन के लिए। जोशी जी ने बहुत अच्छा विकल्प हमारे सामने रखा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा संचालन किया और हमारी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों से आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे और आप लोगों के साथ पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ विश्व आयुर्वेद परिषद के काफी लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों से मैंने यही कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप करना ही मेरा उद्देश्य है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरे को कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आप सभी को धन्यवाद और सभी श्रोताओं को जिन्होंने इसको अटेंड किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। जी सर, चलते चलते लास्ट में जो कमेंट्स आए हैं मैं उनका नाम ले लूं कि एमडी दुबे जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी, ऐसे उत्तम व्याख्यान पुनः पुनः होने चाहिए। डॉक्टर रोहित गुर्जर और सुकुमार जोशी जी, सुषमा बोरकर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। वंदना पाठक जी कहती हैं एब्सोल्युटली ट्रू वर्क सर। रेखा वर्मा जी कहती हैं कि सर बिकॉज ऑफ कोविड 19 नाउ पीपल हैव डेवलप्ड फेथ एंड ट्रस्ट इन आयुर्वेदा एंड यूजिंग इट, ये बहुत अच्छी बात है। और सुधांशु उपाध्याय जी कहते हैं कि वेरी गुड प्रेजेंटेशन इन करंट एरा। और रेखा वर्मा जी ने थैंक यू सर एंड मुग्धा जी जस्ट ओके जी जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो सर बहुत बहुत आभार आपका और इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू मुग्धा जी।